अब जो थर्ड कॉम्पोनेंट है एसक्यू का उसको हम लोग कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज अब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या जो बेसिक उसकी फंक्शनैलिटी है या जो उसका जो रैशनैल जो लें है वो ये है कि इसका काम है टू मैनेज द ऑथराइज एक्सेस टू डाटा बेस यानी बेसिकली ये सिक्योरिटी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी हमने ऑथोराइज डाटा को Uh, हमने एक्सेस देने की हमने कंट्रोल करना है तो इसका बेसिक काम यह है कि वी वी हैव टू मेक श्योर के डाटा uh, sure के ऊपर जो एक्सेस है उसको हम लोग उसको हम लोग सही तरीके से कंट्रोल कर सकें एक ये और दूसरा जो डाटा की मैनिपुलेशन है वो कंट्रोल्ड तरीके से हो कंट्रोल्ड तरीके से मुराद ये है कि जब हमने ये कह दिया कि डाटा बेस का ऑब्जेक्ट इज अ परमानेंट थिंग तो ऐसी कोई चीज होनी भी चाहिए जब हमने कहा कि ये एक नॉन परमानेंट चीज है या हम उसको रोल बैक कर सकते हैं उसको अंडू कर सकते हैं तो डेटाबेस में ऐसी कोई चीज होनी भी चाहिए कोई ऐसा फीचर भी अलाउ होना चाहिए जो ये मेक मेकश्योर sure करे कि परमानेंट क्या चीज है और नॉन परमानेंट क्या चीज है तो ये सारे के सारे फंक्शनैलिटी यानी कंट्रोलिंग ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स इन एन ऑर्गेनाइज और इन एन ऑथोराइज मैनर ये बेसिकली का डीसीएल का काम है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज टू कंट्रोल द डेटा अब जब हम डाटा कंट्रोल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इससे बेसिकली मुराद ये है कि हमने दो चीजें इंश्योर करनी है एक डी डी एल यानी जो हमने डेटा बेस के ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए हैं वो हमने परमानेंट या नॉन परमानेंट वाली चीज हमें देखनी है दूसरा एंड मोर इंटरेस्टिंगली कि जो डेटा हमने इंसर्ट किया है इंसर्ट अपडेट डिलीट को यूज करते हुए उसकी स्टोरेज या परमानेंट है या नॉन परमानेंट है ये जो डिस्टिंग्विश है या ये जो फर्क है इसका जो इसको इसको जो मेंटेन करना है जो उसका स्टेटस मेंटेन करना है कि, कि आया वो परमानेंट स्टोरेज है या नॉन परमानेंट स्टोरेज है ये इसका दूसरा काम है और ये इसका मेन काम है तो बेसिकली तीन कमांड्स ये प्रोवाइड करता है टू तो मेक श्योर कि जो डाटा ऐड किया है हमने डाटा के टेबल्स के अंदर क्या वो परमानेंट है नॉन परमानेंट है या इन ट्रांजिशन है या क्या है तो सबसे पहली कमांड इसकी है कमिट दूसरी है रोल बैक एंड द थर्ड वन इज सेफ पॉइंट अब कमिट बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल हमें डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एक टेबल क्रिएट किया और टेबल क्रिएट करते वक्त मैंने कोई कमिट की कमांड नहीं लिखी थी इसका मतलब ये है कि उसकी स्टोरेज अब परमानेंट है अब परमानेंट से मुरा दिए कि मैं इसको अंडू नहीं कर सकता अंडू से मुराद ये कि मैंने एक टेबल क्रिएट किया मैंने कोई कमेंट नहीं लिखा और मैंने रोल बैक की कमांड लिखी तो रोल बैक विल नॉट फंक्शन जब मैं डी लिख रहा हूं यानी मैंने टेबल क्रिएट किया मैंने रोल बैक लिखा उस रोल बैक का कोई इंपैक्ट नहीं होगा रीजन डी डी एल ऑब्जेक्ट आर ऑटोकमेट तो हमें कमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये ऑटो ऑटोकमेंट होते हैं ऑटो ऑटोकमेंट से मुरादी होती है या कमेंट से मुरादी होती है कि उसकी स्टोरेज डेटाबेस में परमानेंट हो चुकी है यानी कोई उसको अब अंडू नहीं कर सकता यानी क्रिएशन को अंडू नहीं किया जा सकता ड्रॉपिंग ऑफ अ टेबल इज अ सेपरेट थिंग लेकिन क्रिएशन को अंडू करना ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ऑटो होता है लेकिन मैंने फॉर एग्जांपल इंसर्ट की कमांड लिखी और मैंने दो रोज ऐड कर दी अब मैंने कमिट इशू नहीं किया मैंने रोल बैक की कमांड इशू की तो रोल बैक से मुराद ये है कि दो जो रोज मैंने ऐड की है वो अंडू कर दो तो रोल बैक विल मेक श्योर कि जो डाटा ऐड किया हुआ है उसको अंडू कर दे लेकिन अब दूसरा कि मैंने दो रोज ऐड की मैंने कमिट की कमांड लिखी और फिर और मैंने लिखा रोल बैक तो इस केस में जो दो रोज हो, जो जो दो रोज हैं वो अंडू नहीं होंगी वो डिलीट नहीं होंगी यूं कह लें रीजन मैंने रोल बैक से पहले मैंने कमिट लिख दिया तो कमिट बेसिकली की कीवर्ड है जो बेसिकली ये मेक श्योर sure करता है कि जो भी एक्शन कमिट तक पहुंचने से पहले पहले हो गया है इट इज अ परमानेंट थिंग तो कमिट से पहले पहले हो सकता है टेबल क्रिएट हुआ इंसर्ट हुआ डिलीट हुआ अपडेट हुआ सिस्टम विल हिट अ कमिट कमांड ऑल द एक्शन विच आर डन बिफोर कमिट आर नाउ अ परमानेंट थिंग यानी रोल बैक नहीं हो सकती है वो तो कमिट के बाद रोल बैक विल हैव हाँ जीरो इंपैक्ट डीएमएल विदाउट कमिट दे कैन भी रोल बैक बट डी एम एल विद कमिट आर नॉट रोल बैक यानी मैं वो डेटा रोल बैक नहीं कर सकता जिसको मैं कमिट कर चुका हूं तो लेकिन डिलीशन अगर खाली है विदाउट कमिट यस रोल बैक इंसर्ट है विदाउट कमिट यस रोल बैक अपडेट है विदाउट कमिट यस रोल बैक बट विथ कमिट नो एक तो ये दूसरा कि मैंने इंसर्ट लिखी लॉग आउट हो गया तो अगेन ऑटो कमिट इश्यू हो गया तो ऑटो कमिट या या कमिट दो सिचुएशन में होता है या तो डीडीएल कमांड मैं लिख दूं ऑटो कमिट या मैं लॉग आउट हो कमिट या मैं खुद से लिख दूं कमिट तो लॉग आउट इज लॉग ऑटोमेटिकली ट्रिगर एन ऑटो कमिट थिंग तीसरी चीज है सेफ पॉइंट किया और मैंने उसको मार्क कर दिया सेफ पॉइंट वन उसके बाद मैंने और कोई कमांड लिखी इंसर्ट अपडेट डिलीट और मैंने फिर लिख दिया रोल बैक उसके बाद मैंने उसको दोबारा कर दिया कमिट या मैंने लिख दिया सेव पॉइंट और s2 और समवे डाउन द रोड मैंने कहा रोल बैक टू s2 तो इससे मुराद ये है कि s2 के बाद और रोल बैक से पहले जितनी भी चीजें हैं वो अंडू हो जाएंगी तो s1 वाली चीज अंडू नहीं होगी यानी s1 और s2 के درمیان चीजें रहेंगी लेकिन एस टू और रोल बैक के दरमियान सारी की सारी चीजें अंडू हो जाएंगी यानी इसको हम एक और नाम भी देते हैं उसको बोलते हैं पार्शल रोल बैक यानी दो चेक पॉइंट से और मैंने पूरी की पूरी यानी मैंने सारी की सारी चीजें रोल बैक नहीं करनी थी मैंने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक रोल बैक करना था तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम था एस टू और मैंने लिखा रोल बैक टू एस टू तो अब वो एस वन व एस वन के बाद वाली चीज और एस टू से पहले वाली चीज रहेगी लेकिन एस टू के बाद और रोल बैक से पहले वाली चीज ऑटोमेटिकली अंडू हो जाएगी तो यू कह लें कि हमें पार्शल रोल बैक के लिए सेफ पॉइंट या कुछ सिस्टम में चेक प्वाइंट को हमें यूज करना पड़ता